आई एम शालू, आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। तो यदि आपकी टैरो में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और जोडियक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। यदि आपको आपका जोडियक साइन नहीं पता है तो सभी जोडियक साइंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अपना जोडियक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्कॉर्पियोस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। विल पुल कार्ड्स फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ एंड देन वी विल ऑल्सो सी द गाइडेंस फॉर यू। चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं। Eight of Coins, Six of Wands, Eight of Swords. Towards the middle of the week एक अच्छा time period नजर आ रहा है। आपको success मिल सकती है, किसी तरह की recognition मिल सकती है, जो भी आपकी efforts हैं उसके results आपको middle of the week में देखने को मिलेंगे। एक अच्छा time period रहेगा middle of the week। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास जो है फ्रीडम नहीं है काम करने की, आप अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग्स हैं ये आपकी खुद की ही क्रिएट की हुई हैं, तो आपको ज़रूरत है ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग्स हैं उससे बाहर आने का। इस जो एक डिस्प्रेशन या एक जो नेगेटिव जो आउटलुक अपने आपने क्रिएट कर लिया है उससे बाहर आने का। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोस पर्सनल लाइफ के लिए जो है क्या कार्ड्स हैं। स्कॉर्पियोस 11 to 17 अप्रैल पर्सनल लाइफ, स्कॉर्पियोस 11 to 17 अप्रैल पर्सनल लाइफ, ओके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोल्स, डेथ। तो स्कॉर्पियोस पार्टनर के साथ किसी तरह की अनबन हो सकती है, कोई बहसबाजी हो सकती है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अपने पार्टनर के साथ जो है बोलचाल बंद हो जाए, तो एक डिस्कॉर्ड वाली एनर्जी नजर आ रही है वीक के शुरुआत में। मिडल वीक की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का चेंज नजर आ रहा है रिलेशनशिप में, किसी नए अफेयर की शुरुआत हो सकती है या किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का एंड हो सकता है। तो आपको जरूरत है बहुत ही केयरफुली, बहुत ही एक जिसको कहते हैं डेलिकेटली अपनी रिलेशनशिप को हैंडल करने की। अगर हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक देखें तो अगेन सेम एनर्जीज हैं, डेथ कार्ड है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि किसी तरह की एंडिंग और बिगिनिंग नजर आ रही है। डेथ भी वही कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में। किसी तरह की एंडिंग और किसी तरह की एक नई शुरुआत देखी जा रही है। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो एंड हो जाए और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही थी रिलेशनशिप में उसका एंड हो जाए और एक जो है बेहतर टाइम की शुरुआत हो। तो किसी ना किसी तरह की एक एंडिंग, किसी ना किसी तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है कमिंग वीक में। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। फुल मून इन लिब्रा और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो कोई सिचुएशन अगर चल रही थी, कोई चैलेंज चल रहा था, उसमें जो भी आउटकम आएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अगर आप उसमें लूज भी करते हैं उस सिचुएशन में तो भी इन द लॉन्ग रन वो जो है आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। प्रॉबेबली आप उसे अभी रियलाइज ना कर पाए, लेकिन हैव फेथ दैट वॉट एवर इज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन इट विल बी फॉर योर बेनिफिट। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। एंड टू सी मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।